जब 6 महीने पहले उपचुनाव हुआ तो इन्हों चेहरा लेकर के आए कि हम यहाँ से चुनाव जीत करके जाएंगे तो हम मुख्यमंत्री बनेंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार को उखाड़ के फेंकना है। माताएं बहने हैं खड़े ठकने से भी काम को किए हूँ। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो वर्तमान में 5 साल मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री बनने के समय में बहुत सारे के वादे किए वो, लेकिन एक भी वादे पूरा नहीं किए। आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मेरे साथ इस वक्त वो हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है, कल्पना सोरेन के खिलाफ मैदान में उतारा है। मैम, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने आपके ऊपर बहुत भरोसा जताया है, ये चुनौती है आपकी। जी, आप सबसे पहले आपका चैनल का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है तो मैं भी भारतीय जनता पार्टी को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हमारे गांडे विधानसभा से हम लोग जीत का हासिल करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के सिर जो है झोली में डालने को काम करेंगे। क्योंकि कल्पना सोरेन है, अब वो सब जगह जा रही हैं और एक तरह से कहें हम कि हेमंत सोरेन के बदला में वही एक चेहरा होते जा रही है, तो ऐसे में कितना चुनौती होना। देखिए, कल्पना सोरेन का चेहरा इसलिए मतलब जब 6 महीने पहले उपचुनाव हुआ तो इन्हों चेहरा लेकर के आए कि हम यहाँ से चुनाव जीत करके जाएंगे तो हम मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन गांडे विधानसभा का जितने भी हमारे माताएं बहने हैं खाली ठकने से भी काम को किए हूँ, खाली मतलब लालची देने को काम किए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अभी देख सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने मुझको टिकट दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा ठान लिया है कि नहीं, हम लोग को भाजपा को सरकार बनाना है और झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार को उखाड़ के फेंकना है। तो जनता भी ललायत है। देखिए, आज हमारा जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, हजारों की संख्या में हमारे माताएं बहने भाई सब पहुंचे, संकल्प लिए हैं कि आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी को सीट को हासिल करेंगे। और भी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो वर्तमान में 5 साल मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री बनने के समय में बहुत सारे के वादे किए वो, लेकिन एक भी वादे पूरा नहीं किए। इसी से हिसाब से हमारे युवा लोग सब दूषित है, हमारे माताएं बहने लोग सब दुखित है और जितने भी इसको कहा जाए तो ठगने सिवा से कुछ भी काम नहीं किया। जिला परिषद अध्यक्ष भी रही है, 2 बार टर्म हुआ है तो विकास वो नहीं हो पाया 5 साल में, चूंकि आपको तो गांव का विकास भी करना था, नहीं हो पाया जी, सरकार के नहीं, जितना विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं हुआ। खास करके माना जाता है तो गांडे विधानसभा आप देख सकते है कि एकदम जीरो के मामले में है, न यहाँ स्वास्थ्य का व्यवस्था है, न शिक्षा का व्यवस्था है, न सिंचाई का व्यवस्था है, नहीं मतलब हमारे बच्चों और बच्चों का कोई चीज का सुविधा नहीं। तो मतलब अपने कल्पना सोरेन यहाँ से है तो भी नहीं कुछ भी नहीं है। आप हमसे बेहतर आप इतने लोग हैं जान सकते हैं, इसे भी बयान ले सकते हैं कि क्या इसमें शिक्षा का व्यवस्था हुआ, क्या यहाँ क्षेत्र का विकास के माने में हुआ। पुल पुलिया तो मतलब कहीं ऐसा नजर नहीं आया। एक पिंडा टाण में जो पुलिया है, बड़ा सा पुल है, ये टूटने में 1.5 साल हो गया है। उसका मुख्यमंत्री थे और यहाँ का सफराय अहमदी विधायक भी थे, लेकिन देखिए वहाँ अभी तक पुल के मतलब बनने को कोई काम नहीं हुआ अभी तक। तो कहते हैं कि भाजपा लोग झूठमूठ के केस में फंसा रहे हैं। झूठमूठ में केस के कैसे फंसाएगा, झूठमूठ में केस फंसाने के वजह कहाँ है, खाली बहाना चाहिए उनको, खाली बहाना ले करके बोलते हैं कि मतलब ये झूठ फंसाने को काम कर रहे हैं, जेल भेजने को काम कर रहे हैं। क्यों जेल भेजेगा, भारतीय जनता पार्टी को क्या इसमें लाभ मिल रहा है जो किसी को जेल भेजेंगे। खाली इसको मतलब कोई बहाना चाहिए, कोई थी चाहिए कि ठगने से बस दूसरा कुछ करते ही नहीं। पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे पहला मेरा देखिए मेरा जीतने के बाद यहाँ का लोगों का जितने हमारे किसान वर्ग का लोग हैं गांडे विधानसभा का, तीनों का एक ही मांग है कि हम लोग का सिंचाई हो, हम लोग अच्छा से सिंचाई करके हम लोग को सब्जी उगा सकते हैं। इन्हों का मांग है कोल्ड स्टोर का कि जिसे सब्जी हम लोग बहुत मेहनत से उगाते हैं, तो जिसे सब्जी आज तोड़ते हैं तो कल हम नहीं बेच सकते हैं, तो इन्हों का एक ही डिमांड है कि हम लोग को ये करेंगे। और जीतने के बाद सबसे पहले मैं सिंचाई व्यवस्था करूंगी और जो कोल्ड स्टोर का है वो व्यवस्था करूंगी। और सबसे पहले शिक्षा का मामले में आप जान सकते हैं कि कुछ भी हम वहाँ नहीं, हमारे बच्चों बच्चियाँ मतलब पढ़ाई से वंचित रहते हैं, तो इस तरह से पहला अपना काम करूंगी। ये हमारे गांडे से प्रत्याशी हैं भाजपा प्रत्याशी, इन्हें विश्वास है कि इस बार इन्हें जनता जिताएगी और जीतने के बाद सिंचाई जो सबसे बड़ी समस्या है वो और दूसरा जी की बच्चों की पढ़ाई रोजगार स्वास्थ्य पर ये काम करेगी। उन्हें विश्वास है कि जनता इनके साथ है और इन पर इस बार भरोसा जताएगी। कैमरा पर्सन राजबल्लभ के साथ मनीष राज, न्यूज बाइस्कोप, गिरिडीह।
जानवी सिरामिक से करें टाइल्स ग्रेनाइट सेनेटरी वेयर की 50,000 से अधिक की खरीदारी और पाए 5 खास कूपन के जरिए जीएसटी काट कर 4 साल के अंदर पूरी राशि वापस। जानवी सिरामिक हूर मोड़ डाल्टनगंज शाहपुर रोड गढ़वा झारखंड शर्त लागू। मैं एसके मंडल अध्यक्ष एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना आप समस्त देशवासियों को दीपावली एवं लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।